हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्ज़ाम से लेके जो टेक्निकल एक एग्ज़ाम अभी बाकी है, तो कितना टारगेट रखेंगे कि आसानी से पेपर निकल जाएगा और कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसी विषय में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग को ऐसे ही पहले वीडियो बना कर चुके हैं और बता चुके हैं कि आपकी एडमिट कार्ड एक्सप्रॉक्स डेट कब तक आएगी और आपकी एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, ऐसा अनुमान है कि दिसंबर लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम तो होना फिक्स है। तो उस विषय में नहीं, आज के विषय मेरा रहेगा कि कितना टारगेट जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है मैक्सिमम, ये तो कन्फर्म कोई नहीं भी बता सकता एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ बताना बेवकूफ़ी ही होगी। जो भी यूट्यूबर या कोई भी एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ बता रहे हैं, तो समझ ले उसका 70 से 80% रॉन्ग ही जाएगा, 10-20% ही सही जाने को उम्मीद रहता है। तो एडमिट कार्ड मतलब एग्ज़ाम होने के बाद ही कट ऑफ बताया जा सकता है, प्रीवियस से एनालिसिस करके या इस बार के बहुत से स्टूडेंट के बात करने के बाद। तो दोस्तों, इस बार आज के बात करेंगे हम लोग टारगेट, यानी कि टारगेट कितना रखें कि पेपर आसानी से बीत जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं थन में हमने लिखा है टेक्निकल पार्ट से 60 से 65 और नॉन टेक्निकल पार्ट से आपको 25 से 30 क्वेश्चन तक बनाना होगा। आप लोगों को पता होगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग अभी से ही अपना टारगेट अचीव करिए। आप इतना अनुमान लगे कि 60 से 65 नंबर तक हमको टेक्निकल पार्ट यानी कि जो 80 वाले टेक्निकल में ITI वालों पता होगा 80 पूछे जाएंगे, तो 80 में आप ये उम्मीद रखिए कि हम 60 65 सही कर दें। अगर 60 65 आप सही कर देते हैं, 60 65 आप सही हो जाए, तो आपका लगभग मानिए कि 80% ही आ गया, मानिए कि 60% आपको टेक्निकल पोर्शन में सही करना है और नॉन टेक्निकल पोर्शन में आप लगभग मानिए कि हमको 25 से 30 क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए आउट ऑफ 40 में। अगर 80 में अगर आप कम से कम 60 भी करते हैं और 40 में 25 भी करते हैं, तो लगभग 85 नंबर आता है। 85 नंबर आपको इतना प्लस आना चाहिए, इतना कम आएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। इतना प्लस अगर नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में जा सकते हैं। कट ऑफ का अनुमान तो अभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ कितना हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इस बार जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इस बार फॉर्म भी फिलअप ज़्यादा हुआ, कंपटीशन भी। अब देखते हैं अटेंडेंस कितना रहा, पता है अटेंडेंस पर डिपेंड करता है कितना बच्चा प्रेजेंट हो पाता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आप लोग अपना अपना टेक्निकल पोर्शन तैयार कर रहे होंगे, आप अपने अपने जो भी ITI कैंडिडेट होंगे, फिटर हो, वेल्डर हो गए और मैकेनिकल हो गए और डीजल मैकेनिक हो गए, और जो भी कैंडिडेट फिटर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, जो भी कैंडिडेट सब है, वो अपना अपना टेक्निकल पोर्शन पर ध्यान दे। और नॉन टेक्निकल पोर्शन ये भी मत भूले कि इसमें भी आपको 40 नंबर है, 40 में आप 25 प्लस करने का सोचिए और 80 में आप 60 प्लस करने का सोचिए। इससे कम में आप उम्मीद मत रखिएगा कि मेरा रिजल्ट हो पाएगा, आप इतना करके आइएगा तभी आप कन्फर्म रहिएगा। आपको पता होगा कि DRDO में निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, तो आप कन्फर्म रहिए कि 120 का 120 ठोक के आइएगा, 120 का 120 बना कर आइएगा। और इस हम लोग ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है कि आप लोग का टारगेट कितना रखना चाहिए, कितना आसानी से पेपर निकल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी, अगर कम से कम माने तो 15 दिन तो आपके पास है ही, 15 दिन से ज़्यादा ही दिन हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो इतनी टारगेट आप रखें तो आपको कन्फर्म रिजल्ट हो जाएगा। बाकी देखिए एडमिट कार्ड कब रिलीज होती है, फिर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और एग्ज़ाम डेट जब कन्फर्म डेट पता चलता है, तो आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी अपडेट आती है DRDO सेप्टेम्बर 10 से लेके टेक्निकल ए पोस्ट से लेके या टेक्निकल स्टेबल बी पोस्ट से लेके, तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।